जबलपुर के धनवंतरी नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर उनके पास से कट्टा और चाकू बरामद किया है। पूछताछ के दौरान लड़कों ने बताया कि वह लोग हनुमानताल में रहते हैं और घातक हथियारों को बनाकर इसे बेचने का काम करते हैं। खास बात यह है कि दोनों ही लड़के ने ये हथियार बनाना यूट्यूब से सीखा था। पुलिस अब दोनों नाबालिग लड़कों से पता कर रही है कि अभी तक कितने लोगों को उन्होंने हथियार बेचा है। एक कॉलेज पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे गए थे लोग, वहाँ पे हमको दो लड़के मिले, चूँकि दोनों बच्चे नाबालिग हैं, वो अपचारी बालक हैं, तो जब उनको चेक किया गया तो उनके पास एक चाकू और एक देसी कट्टा मिला उनको उनके पास। और जब हमने उनसे उनसे हम वो हमने उनको चौकी लाया और उनसे पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि ये लोग यूट्यूब देखते हैं और YouTube को देखते हुए उसके माध्यम से नए तरीके का इनोवेशन करते हैं कि वेपन्स कैसे बनाए जाएं। और इन दोनों लड़कों ने जो घर के ही आसपास के सामान होते हैं, जैसे कोई भी लोहे की राड हो गया, एसी का पाइप हो गया, कोई भी ऐसा सामान जिसको हम वेपन्स स्वरूप दे सकते हैं, जिससे कि तलवार बन जाए, जिससे कि कोई हथियार बन जाए, जिससे कि गोली का साइज बन जाए, तो इन्होंने इस तरीके का इनोवेशन किया है। और जब हमने इनसे पूछताछ की और इनके घर पे जाके दबिश की तो मालूम पड़ा कि हमको इनके घर से 3 नग देसी कट्टा, 8 नग तलवार, 4 चाकू, 5 नग पाइप पटाखे फोड़ने वाले, 2 ड्रिल मशीन, 1 कटर, 1 ग्राइंडर, 1 वेल्डिंग मशीन और 1 वेल्डिंग गैस सिलेंडर मिला हमको। तो ये अपने आप में एक अनोखा मामला है कि नाबालिग बच्चे इस तरीके का काम कर रहे हैं। हमने तत्काल इसमें एक्शन लिया और मामला पंजीबद्ध कर लिया है। इनसे और भी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि और इन लोगों ने कहां कहां सामान बेचा है कि नहीं बेचा है,